My name is Mehak and I am from Bahawalpur और मैंने MPhil किया है software engineering में और इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि मैं रेडियो पाकिस्तान पे एज ए होस्ट काम करती हूँ वहाँ पे शो है शाम ही तो है एज ए आर जे और इसके अलावा DHA बहावलपुर में एज ए डेप्टी मैनेजर मार्केटिंग काम कर रही हूँ और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला और हमारा जो सबसे बेसिकली जो एक होता है जिंदगी में सक्सेस का और हम जहाँ भी जाएँ या लाइफ में कुछ भी करें हमारी कोशिश होती है कि हम सक्सेसफुल पर्सन बने लोग हमारी तारीफ करें और हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ करें और नो डाउट कि हम जो भी काम करने जा रहे होते हैं हमारी ये कोशिश होती है कि हम दुआ के लिए कहते जाते हैं जब भी हम घर से निकल रहे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है सक्सेसफुल मतलब हर पर्सन समझ रहा होता है कि वो जो है वो सक्सेस हासिल कर लेगा या सक्सेसफुल है लेकिन मेरे ख्याल से हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव है सक्सेस को लेके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग ये टॉपिक जो आप लोग लर्न करने के आए आप लोग क्या समझते हैं आप में से यहाँ पे जितने भी सेशन को लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद हैं कौन लोग ये समझते हैं कि वो सक्सेसफुल है जस्ट आप अपने हाथ खड़े कीजिएगा ओके बस तीन लोग आप भी समझते हैं आप भी समझती हैं मतलब इस पूरे मेरा ख्याल है कि मोर देन अगर 50 हैं तो उनमें से कोई 4-5 लोग हैं जो ये समझते हैं कि सक्सेसफुल हैं क्या आप रीजन बता सकते हैं मुझे जी प्लीज मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूं इसलिए मैं खुद सक्सेसफुल कामयाबी क्या है समटाइम कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि हम अगर मैं यहाँ मौलवी है तो हम कह रहे होते हैं कि मैं अगर इमाम मस्जिद बन जाऊँ तो ये मेरी सक्सेस है और उनके लिए होती भी है सक्सेस तो उसमें बहुत खुश है एक और पर्सन है वो ये कह रहा होता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर लग जाऊँ पाकिस्तान का तो उसके लिए वो सक्सेस है आपने देखा होगा लाइफ में अगर हम मिसाल ले लें बिल गेट्स की लेते हैं वो सक्सेसफुल हैं ठीक है और अगर हम उनको उसके अलावा अपने कंट्री में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कायदे आज़म की हमारे जो है हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है आपने देखा कि पाकिस्तान बनाने के लिए अगर अभी हम देख लें फ़िलिस्तीन को देख लें या अगर हम कश्मीर को देख लें स्पेशली हम उसको आज़ाद नहीं करवा पा रहे हमें लगता है कि जब तक हम कोई वॉर नहीं करेंगे इंडिया के साथ हम उसको आज़ाद नहीं करवा पाएंगे लेकिन आप देखेंगे इतना बड़ा बरसगीर पाक और हिंद अलग अलग हो गया मतलब कायदे आज़म किसी भी सोच को लेके मतलब इलामा इकबाल ने सोचा कायदे आज़म ने उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई तो कैसे हुआ क्या आपने सोचा है कि उन्होंने अपने सिर्फ एक पेन के जरिए अपने बयान के जरिए आप लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया और उनके राइट के बारे में उनको एक्सप्लेन किया और फिर एक सक्सेसफुल जो वो कंट्री हासिल करना चाहते थे उसमें उन्होंने सक्सेस पाई और उन्होंने एक अलग अलहदा वतन हासिल कर लिया किसी भी कोई जंग नहीं हुई बेसिकली कोई जंग नहीं हुई और एक बड़े पुरामन तरीके के साथ उन्होंने उसको अचीव कर लिया और इसके अलावा अभी मैं लास्ट टाइम स्पीच सुन रही थी इमरान खान की ठीक है हर किसी का पॉलिटिक्स में हम नहीं इस तरह से जाते हैं लेकिन बीइंग अ यूथ हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है इसको लेके भी तो उन्होंने
कहा कि एक बहुत बड़ी एग्जांपल है यूथ के लिए स्पेशली, एंड आई वाज रियली लाइक जो है मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी बात सुन के. उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट टेस्ट के दिन मैच जो है वो खेलना चाहता था, उन्होंने कहा मैंने उसको खेला. उसके बाद मैंने सोचा मेरा मुल्क जो है वो टेस्ट सीरीज में जो है वो विन करे. उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि जो है वो शौकत खान हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे बने, शौकत खान ट्रस्ट के थ्रू जो उन्होंने कायम किया वो उन्होंने एक सोचा. उन्होंने कहा यूथ ने मतलब जब मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने मेरे ऊपर एतबार नहीं किया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, ठीक है. और ये वो बेसिक बातें हैं जो जब भी हम कोई क्रिएटिव आइडिया लेके कहीं जाते हैं तो पहले कभी इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसमें नहीं हुई भी होती तो हमें बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है. लोग हमें जो है वो समझते हैं कि शायद किसी दीवाने का ख्वाब है और ये कभी जो है वो पूरा नहीं हो सकता. तो जब हम बात करते हैं तो सारे ऐसे मजाक उड़ा रहे होते हैं. तो इसी तरह से जब शौकत खाना बनाने का इमरान खान का एक ख्वाब था तो उन्होंने जब शेयर किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया. एंड ही सेड कि उन्होंने बच्चों ने उनकी मदद की जब उन्होंने कलेक्शन किया उस ट्रस्ट के लिए, उस हॉस्पिटल के लिए. तो जब उन्होंने वो ट्रस्ट वो कलेक्शन की तो बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने उनकी मदद की. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने आखिर बन गया और अब दूसरा शौकत खान हॉस्पिटल बनने जा रहा है और इवन भावलपुर में भी शौकत खान हॉस्पिटल बनने जा रहा है. आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी हेल्थ की फैसिलिटी है. दूसरी बात उन्होंने कही कि जब नवल यूनिवर्सिटी की बात आई और उसको बनाने की बात आई तो तब भी लोगों ने एडवांस नहीं किया और उन्हें लगा कि एक विलेज में, गाँव में वहाँ पर नहीं पढ़ाई हो सकती, ठीक है. एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक तो ये कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकती, दूसरा वहाँ पे कोई पीएचडी स्टाफ नहीं जाएगा. आप कुछ सोचें कि कितनी एक बंदे को होता है कि वो ख्वाब लेकर आया उसको कोई नहीं मानता कि नहीं हो सकता. और अगर अब आप देखें तो नमन यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की दी बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है और एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए, हमारे सामने. थर्ड उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम मेरा एक ख्वाब था, मैंने 15 सालों से बहुत मेहनत की कि मैं पाकिस्तान में कुछ करूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ. तो तब भी यही हुआ कि वो नहीं बन सकते और आप सब इसके, क्योंकि अभी की बात है ना, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, तो आप सब ने देखा कि लोगों ने उनकी मदद की. उनके एक जो उनकी वॉइस थी उसको जो है वो पावर दी, सपोर्ट किया और वो फाइनली यहाँ पे. एंड आई होप कि इंशाल्लाह वो एक सक्सेसफुल जो है वो लीडर बने हमारे और हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ करें. तो बेसिकली जो दो तीन चीज़ें थी वो ये है कि सक्सेस, अभी जो मैंने थोड़ा सा आपसे टेस्ट किया था, आपसे पूछा था, वो आप लोगों ने, आप लोगों की ये 50+ की ऑडियंस में से सिर्फ 2-3 लोगों ने कहा कि हम सक्सेसफुल समझते हैं खुद को. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सक्सेस है ना, अगर आप एक अच्छी ड्राइविंग करते हैं आई थिंक आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है. क्या आप मानते हैं इस बात को? आप में से वैसे कौन कौन ड्राइविंग कौन कौन करते हैं और आप समझते हैं कि आप उसमें माहिर हैं, मतलब मेल्स और फीमेल्स यहाँ पे सभी हैं, आप समझते हैं? पहले तो आपने हाथ ही खड़ा किया था मेरे ख्याल से. ड्राइविंग में समझते हैं लेकिन सक्सेस लाइफ में नहीं समझते. लाइफ में समझते एक अलग चीज है, वो ड्राइविंग है. सही सही. हाँ जी. और कौन समझता है सक्सेस को? मैं आपके उसको आंसर करूंगी मगर और कौन समझता है? आप तीन, आप लोगों को ड्राइविंग नहीं आती? आती है, अच्छी आती है. यहाँ मुझे क्वेश्चन पूछा सक्सेस क्या समझते हैं, वो जानता हूँ. जब हम बात कर रहे थे ना सक्सेस की, तो सक्सेस जो है एक सर्टिफिकेशन का नाम है. और बात ये नहीं है कि लाइफ में हम सोच रहे थे लाइफ सक्सेस क्या है, सोचिए तो जरा कि सक्सेस है क्या. ये जो है ड्राइविंग है, ये जो ये पार्ट ऑफ लाइफ है. सक्सेस जो है आपकी सेटिस्फिकेशन है, आप जिस चीज में कामयाब हैं, आप माहिर हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हैं. अगर आप टीचिंग फील्ड को लेके आपको आपका इंटरेस्ट है बेसिकली और आप उसमें अच्छी अच्छे आप स्टडी करवाते तो आप सक्सेस है. सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस गाड़ी नहीं है. एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? Yes. करते हैं. मे बी बहुत सारे लोगों के लिए एक सक्सेस है कि वो अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, वो उनको दुआ दें, वो खुश हैं उसमें, हैप्पी हैं, इज ए सक्सेसफुल. बातों का तो आपने देखा घर नहीं है, कुछ नहीं है, एक आप देखें सड़क पे बैठे हुए एक भिखारी है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसके लिए वही सक्सेस है क्योंकि उसको उस दिन का खाना मिल गया है, क्योंकि वो उसके बच्चे जो है उस टाइम पे उनको एक टाइम का खाना, एक टाइम की रोटी मिली, मतलब वो खुश है. बेसिकली जो एक खुशी है ना,
जो एक इनर सेटिस्फिकेशन है अगर वो आपको है तो आप सेटिस्फाइड हैं. अदरवाइज अगर आप किसी महल में भी रह रहे हैं अगर आप खुश नहीं हैं तो आपकी कोई सक्सेस नहीं है. बहुत सारे लोग ड्राइविंग में माहिर हैं, सक्सेसफुल हैं वो उसमें, लेकिन समझते नहीं हैं. शायद हमारे लिए अब हम इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारने के आदी हो गए, हमें लगता है ये गाड़ी बंगला ये चीज़ें सक्सेस हैं, ये सक्सेस नहीं है. सक्सेस है आपकी एजुकेशन और स्टेप बाय स्टेप हमें चलना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए बींग मुस्लिम भी बींग पाकिस्तानी भी हमारी एजुकेशन भी वो दीन भी हो दुनियावी हो वो हमें उसमें स्ट्रेंथन होना चाहिए, हम उसमें पावरफुल हों. उसके बाद जॉब, जब जॉब हम कोई भी अचीव करना चाहते हैं जॉब और बिजनेस दो चीज़ें हैं. अब आपने ये सोचना है कि किधर जाना है, इंटरेस्ट कहाँ पे आपका. और जॉब के लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलती है. अभी मैं भी ऑफर कर सकती हूँ लेकिन मैं बता दूँ आपको कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जो उस जॉब को करेंगे. जॉब तो मिलती है लेकिन हाँ ये और बात है फिर आपके म्याद ही नहीं मिलती. अभी बताएं मुझे काइंडली कि अगर आपको इसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाए, ठीक है 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, कौन कौन करेगा. कैमरा प्लीज उधर दिखाएगा क्योंकि मैं देखना चाहूंगी कोई इतनी बड़ी जॉब आप करेंगे, ठीक है आपके अलावा कौन करेंगे. मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते, क्लैपिंग करेंगे. अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए लेकिन ये बाकी लोग आप लोग नहीं करेंगे जॉब, मतलब आपको जॉब मिल रही है आप क्यों नहीं करना चाहेंगे आप बताएं. मोस्टली ये है कि हम लोग इस वजह से नहीं कर रहे होते, हमारे पास ये तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल दी है, हमारे पास जॉब होती है लेकिन चूंकि हम ये कह रहे थे हम एमफिल हैं, ठीक है हम इतना पढ़ चुके हैं पीएचडी हो गए अब जॉब, ये क्या हम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे. या मे बी एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें आपको इतनी ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं है तो आप कहेंगे कि मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं डॉक्टर के लिए तो मोस्टली हो ही जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो एक हमारा अपना म्यार जो हमने एक हमने बनाया हुआ था कि हमने 50,000 या 1 लाख से कम की जो जॉब है उसको हमने अप्रोच ही नहीं करना. तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने बैरियर्स अपनी लाइफ में बना ली हैं. तो जब तक हम ये बैरियर्स को ब्रेक नहीं करेंगे, अपनी वीएन को ब्रॉड नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं, अपने अंदर स्किल्स एंड क्वालिटीज़ नहीं पैदा करेंगे, हम कामयाब इंसान नहीं बन सकते. और कामयाबी दो तरह की है, एक दीनी और एक दुनियावी. और दोनों को जब हम एक बैलेंस से लेके चल रहे होते हैं तब हम एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं. और सक्सेस के लिए वंस अगेन मैं यही कहूँगी कि अपने बारे में सोचें, अपने बैरियर्स को कम करें. लग्जरियस लाइफ सक्सेस नहीं है और लग्जरियस कहते हैं ना कि हम सोच रहे होते हैं कि कहीं बाहर चले जाएँ पाकिस्तान को छोड़ दें, ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में रखा क्या, इस तरह की नेगेटिव बातें जो हैं वो कभी भी हमें एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनाएगी. जब तक हम जो है अपने घर का जो है घर को साफ करके कूड़ा किसी दूसरे के घर के आगे डाल देंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते. एंड द फाइनल बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, ठीक है गवर्नमेंट हम अपने हकूक याद रखते हैं. जब तक हम अपने फ़राइज को नहीं सोचेंगे ना हम पढ़ेंगे नहीं कि हमारे भी कुछ फ़राइज हैं, हमने भी इस कंट्री के लिए कुछ करना है, तो तब तक हम कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते. ठीक है हमारे फ़राइज़ में ये भी आता है कि जो चीज़ें हैं हम उसका ख्याल रखें, जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, हम किसी पार्क में जा रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं हम उसका ख्याल रखें बजाय ये कि हम उसको तोड़ फोड़ दें. तो ये बहुत अच्छा एक है. और प्लस पॉइंट ये है कि अपने छोटे बहन भाई को गाइड करें पढ़ाएँ और जो जितने भी हम पॉजिटिव काम कर सकते हैं पॉजिटिव जितना सोच सकते हैं, ठीक है नेगेटिव तो हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, जितना हम पॉजिटिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मुल्क के लिए इस कंट्री के लिए तो उतना हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड अल्लाह ताला हम सबको दीनी और दुनियावी तरीके से जो है सबको कामयाबी अता फरमाए और कामयाबी कामरानी अता फरमाए. विश यू गुड लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. तब तक के लिए.